हेलो फ्रेंड्स, सो अभी आज है नमो का बर्थडे और अभी जस्ट मैं आया हूँ ऑफिस से, सो डोंट गो ऑन माय लुक, बट आज हम तैयारी करने वाले हैं नमो के बर्थडे की और उसको थोड़ा बहुत सेलिब्रेट करने वाले हैं और उसके बाद नमो को एक अल्टीमेट एक्सपीरियंस देने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द व्लॉग एंड लेट्स सी के हम किस तरीके से पूरा जो बर्थडे है उसको सेलिब्रेट करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, इट्स 4:17 और हम रेडी हो चुके हैं नमू को सरप्राइज़ देने के लिए। आज नमू का बर्थडे है और हमने सोचा है कि नमू को कहीं एक ऐसी जगह पे लेके जाएंगे जो नमू के लिए भी नहीं हो और आप लोगों को भी कुछ नया देखने मिले। सो टाइम का पूरा उपयोग करते हुए हम अपना ब्लॉग शुरू करेंगे और चले शुरू करते हैं। सो अभी मॉर्निंग हो गई है और नमू ऐसा कुछ लोकेशन है जो तू गेस भी नहीं कर सकती। सो मतलब अभी तेरे को बस गाड़ी में बैठना है एकदम आराम से और हमें एकदम ज़बरदस्त वाला जो जर्नी है वो शुरू करना है। सो लेट जस्ट स्टार्ट द जर्नी एंड आप लोगों को भी बहुत सारा मज़ा आने वाला है। राडो तो बहुत एक्साइटेड है आने के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दिस टाइम ओनली मी टाइम है, तो मतलब कि मैं और नमू, सो हम लोग अलग मलग की बातें करेंगे और मस्त मस्त लोकेशंस पे जाएंगे। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट द जर्नी एज सुन एज पॉसिबल बिकॉज वहाँ जहाँ जाना है वहाँ पे जल्दी पहुँचना ज़रूरी है। तो सोसाइटी में एक दिक्कत की चीज़ वो है कि हमारा जो पार्किंग है वो थोड़ा दूर है, सो यू नो लाइक थोड़ा वॉकिंग शॉकिंग करना पड़ता है गाड़ी को लाने के लिए। जल्दी से आते लेट्स गो। है हमारी सोसाइटी, सुमसाम है अभी के टाइम पे एंड नाउ वी विल स्टार्ट अवर जर्नी।
सबसे फेवरेट वाला है इडली डोसा वाला, देखते वो पहचानते कि नहीं। कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। कैसे हैं? चकाचक एक नंबर। सब आपकी दुआ है। मेरी दुआ है ऐसा? मैं तो बहुत टाइम के बाद आया यार। बोलिए और क्या चल रहा है? बस चकाचक। मेरे को एक डोसा दे दो। डोसा एक एक जा डोसा, पेपर डोसा, उत्तप्पा, पेपर डोसा दे दो। तो अभी बहुत बहुत दिनों बाद यू नो हैदराबादी ईरानी चाय पी जा रही है, और ये चाय मेरे को बहुत पसंद है। ईरानी चाय तो खास करके ये चाय में जो मलाई होती है तो उसकी वजह से उसका जो टेस्ट है वो बहुत बेस्ट आता है, और प्लस अपना जो डोसा तो रेडी ही रहता है, अल्टीमेट कॉम्बिनेशन। लंबा सा डोसा आ गया अभी अपने पास, बहुत दिनों के बाद। तो ये है मगरपट्टा का ट्रायंगल ब्रिज, और ये हमारा फेमस डोसा वाला जहाँ पे हम डोसा खाते थे, और ये चाय वाला जहाँ पे हमने बहुत सारी चाय पी है। और कंटिन्यू तो अभी हम ये पहले टोल पे आ गए हैं। ये जो हाईवे है वो है पुणे सोलापुर हाईवे, और क्या हाईवे है ये, बहुत ही प्यारा हाईवे है। और यू नो अभी 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 देखते अपने आई थिंक मेरे हिसाब से, और ये क्या कर रहा है ये ट्रक वाला, आई थिंक 40 मिनट्स का जर्नी और भी बाकी है। ये हम जो लोकेशन पे आए हैं वो है पटस करके लोकेशन है, और हम जहाँ पे जाने वाले वो तो बहुत एक्साइटिंग लोकेशन है। सो अभी ये फास्टैग जो है वो कंपलसरी हो गया है। सो आपको अगर आपकी गाड़ी में आप कहीं पे भी कोई भी हाईवे पे जाते हो तो फास्टैग डालना जो है वो अभी कंपलसरी हो गया है। सो अभी निकलते हैं और आगे, कहीं पे हॉल्ट लेने वाले नहीं है, सीधा हम 40 मिनट के बाद मॉर्निंग के साथ साथ सनराइज के साथ साथ एक ब्यूटीफुल स्पॉट पे हम मिलेंगे। तो टेढ़े मेढ़े रास्ते शुरू हो गए हैं अभी, और काइंड ऑफ रोड चालू हो गया अभी, देखते अभी वो कितना ऑफ रोड हमें मिलता है। बट जो लोकेशन पे हमें जाना है वहाँ पे एक्चुअली में थोड़ा अंदर जाना पड़ेगा। सो ये जो आप देख रहे हो वो ऑफ रोडिंग चालू हो गया। सो फाइनली अभी हम आ चुके हैं बिग वन बर्ड सेंचुरी, और ये एक ऐसा सेक्रेट प्लेस है जिसका नाम आपने ज़्यादा सुना नहीं होगा, लेकिन बहुत ही प्यारी जगह है। आपको मैं वहाँ पे ले जाके बहुत अच्छी तरीके से बता सकता हूँ, और हम कुछ अच्छे वाले शॉट्स भी लेंगे। सो लेट्स जस्ट गो एंड सी के किस तरीके का पूरा जो सेंचुरी है वो दिखते, और हमें अगर कोई अच्छे बर्ड। सो ये जो बिग वन बर्ड सेंचुरी है वहाँ पे हम आ चुके हैं, और आप देख सकते हो ब्यूटीफुल बर्ड्स यहाँ पे है, और जो सनराइज़ जिस तरीके से हो रहा है बहुत ही प्यारा लग रहा है। आप उस बर्ड्स को देख सकते हो कितना प्यारे तरीके से ना मस्त तरीके से बैठे हुए हैं, बहुत ही प्यारा लग रहा है। Thank you.
नमो अभी हम अगर देखेंगे तो ये सबसे पहला पॉइंट था। एंड ये पॉइंट कैसा लगा तुम्हें? मतलब लाइक अभी कैसा है कि कैमरा जस्टिस नहीं दे पा रहा है, लेकिन जो बर्ड्स हम देख रहे हैं बहुत ही छोटे छोटे और बहुत प्यारे प्यारे हैं, और कलरफुल हमको अच्छे बर्ड्स से जो है। डिस्क्राइब भी नहीं कर पा रहे कि कैसा फील हो रहा है हमको, मतलब वी कांट डिस्क्राइब। बट अगर आपको ये जो पीओवी शॉट जो है जो ड्रोन का, अगर वो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक। एंड कभी हम टाइम निकाल कर बहुत लंबा वाला आएंगे, जहाँ पे हम एक दो घंटे का जो बोट टूर है उसको ले सके। अभी क्या है कि टाइम की कमी की वजह से अभी हम जाएंगे नेक्स्ट स्पॉट पे। जो नेक्स्ट स्पॉट है वो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। सो देखते रहना वीडियो को, और पूरा वीडियो देखना, और मिलते हैं हम ऑन टू द नेक्स्ट स्टॉप। तो अभी टाइम हुआ है 10:15, और हम वापस घर जा रहे हैं, लेकिन उसके बीच में कुछ खाने का मन किया है। तो अभी हम मसाला डोसा खाएंगे फिर से, और फिर से क्या क्या और क्या खाने का, बेल और वड़ा पाव और चाय खाएंगे, और फिर सीधा घर जाके सीधा सोने वाले हैं।